आंगनवाड़ी चल गई है। ज्यादा होशियारी की तो पुलिस स्टेशन घसीटते ले जाऊंगा तुझे और घुसकर मारूंगा तुझे। मार, एक और मार। हाँ कंडी ले दंदा, पूरा दिन ना इसी टीवी दिख दे रहा करा। इन्हें करा ना इसी टीवी थी बढ़िया डिस्सा दे रिचार्ज मैं करा करे पूरा दिन टीवी तो दिखन। नहीं मिंगे गाल दसा, नहीं मैं तुहाड़े खर्चे चुके कि इसी छोरवे दे खर्चे चुके कि इस पूरे घरे दे खर्चे चुके, सारा खर्चा घरे दा था मैं चलाया। 2000 तां मिंजो सैलरी मिलदी है। ओ मेरा ब्याह तां धोखे ना होया, धोखे ने मिंजो तां ए गलाई के लई है कि मुंडू सरकारी लग गया। ए तां ब्याह बाद पता लग गया कि मुंडू सरकारी नरेगा च लग गया। इसते खरा तां मैं कांगड़ा बोझ वाले पुनीत सुमने ने ब्याह कर लिया ना तां राणी बनाई के रखनी तिन्नी, पर हुण मैं क्या करे मेरे करम फुटे दे दे पल्ले पई है मेरे। ओए तू लेक्चर मत दे जा, तू बच्चे ने दलिये दुलिये खवा। दलिये तो तुहाड़ा मैं बनाना मारी मारी, जे संजय भांडे नहीं मांजोंगे कने पोचन लग जाऊंगा तां फिर दस दिए मैं तुहानू। ठीक है चलिए, मैं एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ कमाई तां तुहानू संजय बेल नहीं है दसवीं फेल कताई दे। तुहां ना उम्र पर बेरोजगार ही रहना, तुहां उम्र पर भांडे मांजने कने पोचे लाने और कुछ नहीं कर सकते, तुहां उम्र पर दसवीं फेल ही रहना वे। ठीक है चलिए मैं। मम्मी मेरे स्कूले वर्दी कुत रखी हो, पता नहीं कुत रखी दे कपड़े मेरे। बराती मेरा बापू करता पूछता बापू इन्हें पता नहीं क्या क्या रखता करता रहा। ओहो डैडी कितना चली पे तो स्कूलियो स्कूलियो ऐसा क्या कीता जेड़ा बापू स्कूले चलिया वो अज नहीं बचदा मैं। ओहो डैडी अज पेपर नहीं मिलने ना, इन्या करा करे चला तुआ चला। ओ मैं पेपर लेना नहीं पेपर देना चलिया। पेपर देना चलियो क्या मतलब? मतलब मैं दसवीं लगे करना। क्या दसवीं लगे करना तुआ सब इस उम्र च? ओ डैडी क्या बोली आदे तुआ? क्या मतलब तेरा इस उम्र च? ओ मतलब डैडी हुण तुआ बुढ़े होई हो, ए उम्र तुआड़ी पेंशन लेने दी है कर तुआ स्कूले दसवीं करना चलियो। ओ मुन्नू यही था मिंजो टेंशन कि मिंजो नहीं लगी इस उम्र कोई पेंशन ताई तो मैं दसवीं लग गया करना ताकि मेरा फ्यूचर बनिया। क्या फ्यूचर बनिया? ओ डैडी इस टाइम ना तो जो मेरे फ्यूचर बारे सोचना चाहिए कर तो अपने फ्यूचर बारे सोचिया दे इन्या करे करे चला मम्मी तो पेड़ दंजो चला। उत्ती सही है भजन है तो मैं दसवीं लग गया करना, तू बकवास बंद कर मुझे स्कूल जाने। हे परमात्मा इस कली कुछ मिंजो क्या क्या दिखना पौधा। ओ मेरा बापू दसवीं करना लग गया से मिंजो करना है, ओ मेरा स्कूल है ओ मेरी क्लासा। ओ पिछले जन्म च ऐसा क्या किते होंगे मैं पाप जड़ा इसी जन्म च मिल लिया विद्या बाप। ओ मिंजा करदा मैं भी स्कूल ले जांदा ओ लेट हो जाना मैं। पैसे यार मैं ना बाइनो ऐप यूज करदा ते तू ट्रेडिंग करदा ना कने पैसे कमांदा। बाइनो ऐप है क्या?
रुक करा मैं तीजो दसदा। तू ना बानी एप्लीकेशन पर ना ट्रेडिंग करनी होंगी कि पैसे कमाने होंगे, सबसे पहले तू ना डिपॉजिट बॉक्स पर जाना ना, उत्तों तू कोई मैथड यूज कर सकता अपने UPI या बैंक अकाउंट का। और फिर सबसे पहले ना तू अपने एसेट चूज कर लेने, उसके बाद तू ना इंडिकेटर बजाय ना अपने बिलिंगर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद तुझे तीन लाइन दिखना शुरू हो जानी, तीन पर क्लिक करी ना तू अपना कैंडल यूज कर लेना था। फिर इसके बाद ना तुझे ग्राफ शो होना, तीन ग्राफ है तुझे दसना ना कितने टाइम में डायरेक्शन ना किस मूवमेंट पर जा दी है। हूँ मुझे लगा ना मेरा चार्ट ऊपर जाना, मैं अपना 400 रुपया ना फोरकास्ट पर लगाई था, ये मैं अपने पैसे लगाए थे और ये दिखा जीती गया ना मैं। कहना तू ना जितने पैसे हो आसानी ने विड्रॉल कर सकता अपने पेटीएम में बैंक अकाउंट के थ्रू। नहीं ये एप्लीकेशन सेफ भी है कि नहीं है? ओ क्या बोला था, 130 कंट्री चला दी इस एप्लीकेशन है, कन तू बोला सेफ ही नहीं है? इंया करना डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया तो तू जाना डाउनलोड कर, कन रजिस्टर कर। अच्छा ले ले टॉफियां खा लिया, ऐश कर ऐश। ले फोने के तह ले चलिया मैं, इंया करता ना इसी फोने लगाए बंदा, नहीं तो गोभी मास्टर दिखे ना तेनी जब्त कर लेना मेरा फोन। है डोगरे बापू स्कूल है? पूछता भला डोगरे तू दस नहीं अज पेरेंट्स मीटिंग है, तेरा बापू स्कूले आया? सो पेरेंट्स मीटिंग करा, हूं मैं तीजो क्या दसा, मेरा बापू ना बुढ़ा फिर पढ़ना चलिया स्कूले। क्या ओ बापू मेरा पढ़ना चलिया? क्या ओ बापू मेरा दसवीं करना लग गया? क्या नहीं फिल्मी रिएक्शन देना जरूरी है? क्या 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 करिया सकने बोला बापू मेरा दसवीं करना चले स्कूल ले रहा। बुढ़े बना देना बापू स्कूल चले दसवीं करना। ओ तू दंदा मत का डरा, तू सारे दसी ना कि मेरा बापू दसवीं करना लग गया। चुप बैठ। अरा एक गल दस मिंजो, तेरा बापू बुढ़े फिर दसवीं कहीं लग गया करना? ओ तीजो मैं सब दसदा रहा, तू अंदर चल चल। तू चुप रह, चुप बैठ। गोभी मास्टर है, गोभी मास्टर है, मास्टर है। मुझे लगा मैं गलत क्लास आई आ। एक मिनट ये लफंडर तो सारे मुझे दसवीं लग गए। मुझे लगा ये बच्चा गलत क्लास आई आ। बेटा आप गलत क्लास में आ गए हो, आप बड़ी क्लास में चलो, बड़ी क्लास ऊपर है, चलो चलो। नहीं नहीं मैं दसवीं करना आया। उइया बच्चा एज कितनी है तेरी? मेरी छड्डा तो अपनी दसा। ओ मेरी तो 26 साल है। तो इं कह रहा तीस ना दूने गुण कर लिया, उतनी है मेरी। ओ मिंजे लगा ना अपना टाइम इसे दसवीं नहीं हुई होनी है, तो हम दसवीं करना आया। उन्हें वैसे भी वाटर सप्लाई के फार्म निकले दीदी वास्ते दसवीं जरूरत पे ही होनी है। अच्छा ठीक है ठीक है, इं कर दे अज हिंदी पढ़ देना। भैंस दूध देती है तो इसमें दूध के क्या क्या फायदे हैं? इं कर तू दस। अच्छा क्या ना तेरा? तूफानी सिंह। ना तो बड़ा खतरनाक है, चल दस। दिखा मास्टर जी दूध के फायदे हैं मारा गोली, तो आए दसा मैं कितनी बेचनी है? ओ मैं नहीं बेचनी है। ओ जिन्नी भी बेचनी होगी दिखा। हाँ बेचनी मैं 80,000 की, तीज हाँ क्या करना 60,000 रुपये दे देना मालिक के। बचा कितना? 20,000।
आता पांच तो आड़ा पंद्रह मेरा होया फायदा कि नहीं होया पांच मेरा गयो वो तो दस ले लेने हो दस दस दो नहीं अच्छा ओ ये क्या सोचा था मैं ओ इन्हें कर तू भेज जा इन्हीं तो मिंजे लालच बाइटिया अच्छा इन्हें कर तू खड़ा हो या चल दास ही आंसर ओ सर जी यहाँ क्या दूध दे फायदे दसने साड़ी तो मैं ही दूध नहीं दिंदी सजी सच्ची है कोई चाह पींदे तेरी कोई चाह मैं पियांदा वे पढ़ना लिखना कुछ नहीं कने कोई चाह पींदे चल ओ तू मुर्गा बन ओ चल मुर्गा बन तू चल हां तू के चुप बैठया तू दस गुरुजी क्या गुरुजी क्या गुरुजी 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 ते आगे होंदा भी है कुछ चलो तू मुर्गा बन गुरुजी गुरुजी हां हेलो ओ मैं ता दिखे मुझे पता तुझे तो कुछ होंदा नहीं होना चलो तू मुर्गा बन चल 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 नहीं कदे निकम्मी क्लास है हेलो हाँ बच्चा चल चल मुर्गा बनो तू पता मुझे तुझे भी कुछ नहीं होता शुक्र है बचिया हाँ जी सर मैं चल गया मुर्गा बनना चलो तू मुर्गा बनना पूरी दी पूरी क्लास निकम्मी हाँ जी होता कुछ तो आंजो ना तो आंजो वास्ते मूर्त कढ़ा मैं ਜੀ ਵੀ ਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਓ ਇਹ ਕਰਾ ਚਲਾ ਬੈਠੀ ਆ ਹੁਣ हाँ तू खड़ा हो गया ना बाप स्कूल जाता है इस वाक्य में बाप क्या है सर बाप सबसे बड़ा पागल है सर जो इस उम्र में भी स्कूल जा रहा है और अपने बेटे की बेइज्जती करवा रहा है सर ओ सॉरी सॉरी बाप नहीं है विशाल है विशाल सर विशाल सर विशाल ले जाने दे स्कूल लो विशाल ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर सर बाप स्कूल गए जा रहा मुझे प्रॉब्लम तो साहब है बड्डी चुप सबसे नलायक बच्चा तू पूरी क्लास का डखे पता नहीं जो डखे नहीं डैडी तो अंजो बता टीचर मेरी इतनी तारीफ करता ना बोलता बच्चा तू ये सबसे होशियार कनेकलमंद बच्चा पूरी क्लासा च ओ मेरा तो मन करता ना इसे मारी मारी पूरे ग्राउंडे चक्कर लवा मैं डैडी तो अंजो बता मास्टर मिंजो ही बोलता कि तुझे जफिया पाई पाई ने पूरे बच्चे सामने ग्राउंडे च अवार्ड देना अवार्ड आज तेरा बड़ा हो गया टाइम इंजो बड़ा दुखी कितिया इंजा कर अपने डैडी सदी के लो तू सर डैडी हां जी बोला वो तो आंजो नहीं बोलिया मैं इधर डैडी जी बोलिया तो मास्टरा मैं ही इधर डैडी क्या इधर बापू है बापू तो दोनों इकट्ठे आई है क्यों है क्या बापू बापू इकट्ठे चल रहे पड़े हूं सोमरन कर रहे ठीक है बच्चों आज की क्लास खत्म अरे मेरा बापू मेरा बापू क्या जरूरत पई है हुन तुहानू स्कूल ले जाने कने क्या जरूरत पई है तुहानू दसवीं करने पूरे ग्राए च मेरी बेइज्जती कराए ने रखी थी हुन तां मिंजो घरे ते बाहर निकलने भी शर्मा लगा दी हुन मैं सोचे मैं आंगनवाड़ी कियां जांगी ओ मम्मी तुहाड़ी ग्राए च बेइज्जती कराई मेरी तां पूरे स्कूले च बेइज्जती कराई थी ओ सारे निक्के आने मिंजो छेड़ बोले पुत्र भी दसवीं कने बापू भी दसवीं च नहीं डैडी अगर तो दसवीं करनी ही तो प्राइवेट पेपर भरी दे स्कूल ले जाने क्या जरूरत थी कहीं मम्मी मुझे गल समझ नहीं आती इसी बुढ़े फिर डैडी स्कूल एडमिशन को नहीं देती ओ मेरी एडमिशन कहनी नहीं होनी इन्हें थोड़ी एमएलए ने मैं रात रात भर गल्ला मारता रहता एमएलए क्या एमएलए ऐसा कौन दे एमएलए जेड़ा अपने कम्मा छड्डी ने पूरी रात तो अंजो बेलड़े ने गप्पा मारता रहता मैं दसी जे लैंदी तो अंजो
उठा मेरे दादी वाले सोफे थे इन कर चल करा ले चल कर गोए चुका उठ जाके बड़ा दसवीं का क्रेच चढ़े तो अंजू मैं करांदी तो अंजू दसवीं चल तो अपना बाग में चल करा ले ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਚਲ ਚਲ ਓਏ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਬਰਾਤੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਲ ਚਲ ਹਾਂ ਜਮਕੀਲੋ ਆਇ ਰੇ ਤੂੰ ਨੇ ਕਰਾਲੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਮਿੰਜੋ ਓ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਿਓ ਕਲਾਸ ਆਏ ਉੱਠਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਉੱਠਾ ਪੜਨਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਆ ਜੋ ਉਡੋਗਰੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੂਹੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਠੁੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਾ ਪਈਆਂ ਤੂੰ ਜਾ ਬੋਲਾ ਮੋਟੇ ਮੋਟਾ ਹੋਏ ਬੋਲਾ ਜੋ ਬੋਲਾ ਮੋਟਾ ਚਲ ਭਲਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਾੜ ਦੇਣਾ जब तक उसको उसके बाबात रूप से उसको नहीं जानता होगा कौन सा चित्र रहा होगा उसकी कल्पना से लिखिए और जब तक हागर साहब ने कैप्टन को नहीं देखा होगा तो उसने मानस पलट पर कैप्टन का व्यक्तिगत उसके फौजी व्यक्ति के जैसा रहा होगा तो लंबे कद वाला मजबूत काठी वाला हट कटता रहोगा इतनी जोरें कौन पड़ता ओहो डैडी जोरें पढ़ना पौधा अगर तो जोरें नहीं पड़ गए ना तो मुझे याद नहीं होना जोर जोर पड़ गए तई याद होना अच्छा ठीक है पढ़ी ले वो तो मानस रहा होगा अब अवश्य है नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा कारण तथा उसकी अभी इसमें भी नहीं कि कभी ने इसे इसलिए कहा क्योंकि कभी को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो दूसरे को बताने योग्य हो तथा उसकी पीड़ा और दुख इसमें आसान क्वेश्चन तो पेपर च नहीं आया डैडी ये नहीं आया क्वेश्चन क्या करा दे डैडी I'm ready!
डोगरे इस बात मार रिजल्ट भी स्कूल निकलना पता नहीं यार पास होना कि फेल होना। ओ तू टेंशन के लाया तारा पास होंगे फेल होंगे है बात दे गल है पर तीजो पता जो अपने बापू के बड्डा पर गर्व है सह कहो तीजे नहीं पता मेरा बापू बुढ़ा फेरा ना दसवीं पेपर दे दा अजकल कौन दिंदा बुढ़ा फेरा दसवीं पेपर मेरे बापू ने ना एक मिसाल कायम करती है दुनिया ताई कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती मुझे अपने बापू के बड्डे पर गर्व है और तू टेंशन मत ले रहा पास हो जाना तू आओ जाना रहा पास मुझे लगा ना मेरे बापू जा टेंशन है चारा इन कदा हौसला देता बापू जा जा हां तू इतरे ला ओहो डैडी क्या है इतनी टेंशन के लाए तू ओरा टेंशन होनी है आज रिजल्ट निकलना रहा ओ डैडी रिजल्ट इतनी टेंशन ओ डैडी हां तू नहीं फेल ही होना वे ओ क्या बोला तू ओहो डैडी मुझे लगता तू ऐसी गल नहीं सुनियो आज जिंदगी च ना कोई भी गल सोचदे हमेशा उल्टी होंदी क्या मतलब है तेरा फॉर एग्जांपल डैडी तेरे तो लॉटरी पाई तो दिन रात ही सोचते रहे कि मेरी लॉटरी लगनी कने फिर ही क्या होया तुम्हारी लॉटरी नहीं लगी जेडे तू सोचे से नहीं होया डैडी याद करा एक दिन तो सोचा हा कि मैं इंडिया कने पाकिस्तान का मैच दिखना धर्मशाला जाना है तुम टिकट बुक करवाई गई कने डैडी क्या होया बरखा हुई मैच रद्द हुई है कने तुम्हारी सोचा पानी फ्री आ याद करा हां मुन्नू तू ठीक गला दा ब्याह ते पहले मैं भी ये सोचता हा कि मेरा ब्याह माधुरी दीक्षित ने होना कने होया कुछ ने चमकीलो ने हां ते डैडी तो सोचदे रे कि जे सोचा से पूरा नहीं होया सोचता तो मैं भी हा कि मेरा मुन्नू बड़ा होए ना ईमानदार होशियार होना पर निकलया क्या नड़पा हां ते डैडी हुन तोय सोच के ना कि मैं पास होना इदा मतलब तो फेल होना वे तोय सोचा कि मैं फेल होना तई तो पास होना वे हां मुन्नू मैं फेल ही होना हां डैडी मैं फेल तो फेल आ दोनों फेल हां तई पास होना मैं फेल है फेल होना मैं फेल मैं फेल डर तो फेल मैं फेल फेल है मैं अच्छा ये गल है अगर मैं सोचगा कि मैं पास होना तो मैं फेल हो ही जाना हूं तो मैं सोचना मैं फेल होना वे नहीं पास हो सकता मैं हूं फेल ही होना वे मैं सच्ची फेल होना वे अच्छा ये राज है पास होने का हूं तो मैं भी फेल ही होना वे तो मैं तो है ही फेल अच्छा मुझे लगता मैं भी फेल ही होना हूं हे भगवान जी तुझे तो ना मेरी एक ही प्रार्थना मेरे पति देव जो ना दसवीं पास कराई दे तुसा मैं फेल ही होना वे ओए क्या करा तू कुछ नहीं गुरुजी वो तो तेरा रिजल्ट लगी है क्या रिजल्ट लगी है तो और क्या चल ओ मुंडियो रिजल्ट लगी है डैडी तुहाड़ा क्या बनिया मैं फेल होइया डैडी फेल होइया हाँ तो डैडी हूं तुम सोच गए ना कि मैं पास होना इदा मतलब तो फेल होना वे तुम सोचा कि मैं फेल होना तई तो पास होना वे तेरी काली जबान तेरी है मैं फेल होया तो होया पर तू भी फेल हो या कंजरा मैं कुछ नहीं तेरी पकड़ा पकड़ा पकड़ा